بسم الله الرحمن الرحيم باب احب الدين الى الله عز وجل ادومه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تثيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ إمام بخاري عليه الرحمة والرزواني يحفر إك باب بانتين باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدوبه إمام بخاري کا اس बाप को बांधने से मकसूद ये है वो यह बताना चाहते हैं कि दीन का इतलाक अमल पर भी होता है हदी पाक में अमल को दीन कहा गया है इससे ये पता चलता है कि दीन या ईमान वो अमल भी है और अमल ईमान के अंदर दाखिल है ये मकसूद है इमाम बुखारी का ये बाप बाद में से अब आपको ये देखना है कि इस बाब के तहत इमाम बुखारी जो हदीस ज़िक्र करते हैं वो हदीस हदीसान बाब से कैसे मुतालिक है उस हदीस के अंदर दीन का इतलाक़ अमल पर किया गया है यानि दीन लफ्ज़ बोला गया है और उससे अमल मुराद लिया गया है वो कैसे फरमाते हैं कि बाबन अहबुद्दीन अल्लाह अज्जा वजल अदबम ये बाब है इस बयान में कि अल्लाह के नज़दीक अल्लाह अज्जा वजल्ला के नज़दीक महबूब तरीन दीन अदमू उस पर हमेशगी करना है मुदावमत और पाबंदी करना है हद दसना मोहम्मद अब्नमसन्ना हमसे हदीस बयान की मोहम्मद अबन मुसन् ने क़ाल उन्होंने कहा हद दसना यह अनशाम हमसे हदीस बयान की याहिया ने वो रिवायत करते हैं हिशाम से कल उन्होंने कहा अबरानी अभी मुझे ख़बर दी मेरे वालद ने यानी हज़रत हिशाम कहते मुझे ख़बर दी मेरे वालिद ने उरवा से रिवायत करते हुए है ना यानी उनके वालदा आयश वो रिवायत करते हैं हज़रत आयशा से अनबी सो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्ह वसल् हज़रत आयशा के पास आए व इन दुन इस हाल में कि हज़रत आयशा के पास एक खातून थी कल सरकार ने इर्शाद फरमाया और बुखारी के कुछ नुस्खों में है फ़ाल तो सरकार ने इर्शाद फरमाया मन हजी ये कौन है ये कौन हैं कालत तो हज़रत आयशा सदी रबी अल्लाह तहा ने अर्ज की जवाब में इरशाद फरमाया कि फुलाना आपने कहा कि ये फुला हैं फुला न तो ये गैर मुनसरफ़ है तो आपने कहा कि ये फुला हैं ये कौन औरत थी कौन खातून थी इनका नाम क्या था तो ने फरमाया ये हौला बिनते तो इनका नाम था इन खातून के बारे में थोड़ा सा सुनिए ये खातून मदीन तयबा की बहुत बड़ी आबिदा जाहिदा खातून थी पूरी पूरी रात इबादत करती थी बहुत ज्यादा नवाफिल पढ़ती थी जब हजरत आयशा सिद्दीक ताला अन्हा ने उनकी कसरत इबादत का जिक्र किया तो नबी करीम अलैहि वसल्लम ने शफ़क़तन नापसंदीदगी का इजहार किया वो इसलिए नापसंदीदगी का इजहार किया कि औरत जिनके बारे में हजरत आयशा कह रही हैं तारीफ कर रही हैं उनकी इबादत गुजारी और उनकी बेदारी का बयान कर रही हैं उनके भी सामने कर रही हैं तो सामने इंसान के तारीफ नहीं करना चाहिए क्योंकि मुमकिन है कि वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा नापसंदी नापसंदीदगी का इजहार इसलिए फरमाया ये बताने के लिए कि किसी के सामने उसके मुंह पर उसकी तारीफ ना की जाए क्यों इसलिए कि मुमकिन है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसके सामने तारीफ की जाए तो वो उसके अंदर गुरूर घमंड तकबर आ जाए इस बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी तारीफ करने से रोक दिया ये शफ कतन था कोई ऐसा नहीं था कि सरकार को उनकी जात से कोई नाराज़ थी तो हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ता से फरमाया मन हाजी सरकार ने फरमाई ये कौन है कालत फुलाना तो आपने अर्ज किया रसूलल्लाह ये फला औरत हैं जिनका जिनका मैंने अभी जिक्र किया हजरत आयशा उनकी नमाज का शब दारी का जिक्र करने लगी कला माह सरकार ने इरशाद फरमाया रुको बयान मत करो तो ये रोकने की एक वजह तो वही हो वही हो सकती है जो मैंने बयान की कि सरकार ने इसलिए रोक दिया तारीफें करने से मुंह पर कि कहीं गुरूर और घमंड दिल में पैदा ना हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ये नापसंदीदगी का इजहार सरकार ने इसलिए किया हो कि उन खातून की ये तारीफ की गई कि ये पूरी पूरी रात बेदार रहती हैं, नवाफिल पड़ती रहती हैं। तो ये आमाल शाका की तकलीफ उठाने से मना करना मकसूद हो कि आदमी को इतने ही काम करना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सकता है हद से ज्यादा आमाल शाका में नहीं पड़ना चाहिए इसलिए भी मुमकिन है कि सरकार ने रोका हो तो फरमाया माह ठहर जाओ रुक जाओ मत करो तारीफ अले कुम तुम पर उतना ही लाजिम है जिसकी तुम ताकत रखते हो इसका माना होता है किसी चीज को देख कर या सुन कर या किसी चीज के बारे में सोच कर उक्ताहट में पढ़ जाना और उक्ताहट यह दिली कैफियत होती है और अल्लाह रबुल्जत इन दिली कैफियतों से मुनजा और उससे बेन्यास है तो फिर अल्लाह के हक में यहां पर मुलूल का माना होगा अज़र देने से रुकना सवाब देने से रुकना क्योंकि उक्ताहट का मान लाजमी यही रुकना ही है तो माना होगा खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और सवाब देने से नहीं रुकता है तमल्लु यहाँ तक के तुम ही काम के करने से रुक जाते हो ता में पड़ जाते हो मकसूद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उसके यहाँ पर खजा उसके खजाय रहमत में अजर की कमी नहीं है लेकिन इंसान अपनी ताकत भर काम कर पाता है ताकत भर काम करना ही चाहिए उसके खजाने ने रहमत में कमी नहीं है वो तुमको तुम्हारे ताकत भर आमाल करने की बिना पर भी बेहिसाब अज़र देना चाहेगा तो अज़र दे देगा यह मकसूद हैल्लू खुदा की कसम अल्लाह तुमको अज्र देने से नहीं रुकता यहाँ तक के तुम ही उगता जाते हो और काम करने से रुक जाते हो कहना अहबुदी साहेब और अल्लाह की बारगाह में महबूब तरीन दीन वो है मा वमा अलह साहेबू जिस पर उसका साहिब उसका करने वाला मुदावमत और पाबंदी करे अब इस हदीस पाक का तर्जमतलब से ताल्लुक़ इसी जुमले की बिना पर है वह कन अहबुद्दीन इले मा दावा साहेबो और यहाँ पर अहबुद्दीन में दीन से मुराद अमल है आ आ आ यानी मुराद है कान अहबुलमल इले मा दावा अलह साहेब तो इमाम बुखारी का मकसूद यही था कि अमल पर भी दीन का इतलाक होता है यहाँ पर देखिए दीन बोला गया और मुराद है अमल इससे इमाम बुखारी ये बताना चाहते हैं ये दर्श देना चाहते हैं कि अमल दीन है हम कहते हैं कि अमल दीन तो है लेकिन आने दीन नहीं है बल्कि दीन के तमामियत से है दीन के कमाल से है बाबू जिया ईमानी नुकसान ही ये बाब है इस बयान में कि ईमान ज्यादा भी होता है और ईमान कम भी होता है यानी ईमान के अंदर कमी बेशी होती है इमाम बुखारी का मकसद है इसे वही बताना कि ईमान में कमी बेशी होती है नफ़ ईमान घटता बढ़ता है हम कहेंगे कि नफसे ईमान तो एक बसीत है उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं होती और हम इससे पहले कमी बेशी ईमान की कमी बेशी के ताल्लुक से तफसीली गुफ्तु पहले सबक में कर चुके हैं जब हमने किताबुल ईमान शुरू किया था तब वहाँ पर हम तफसीली गफ्तु कर चुके हैं और वहाँ पर हम बता चुके हैं कि ईमान में कमी बेशी नहीं होती है बल्कि ईमान के अंदर जो कमी बेशी का जो कौल है जो आयात और अहदीस ईमान की कमी और पेशी पर दलालत करती हैं उनसे मुराद कुव्वत और जोफ कैफियत में कमी बेशी मुराद है ना कि नफसे नफसे ईमान में कमी बेशी इमाम बुखारी अपने नजरिए पर अपने मसलक पर अपने मजहब पर दलील पेश करते हुए अल्लाह का एक फरमान जिक्र करते हैं फरमाते हैं अल्लाह की इस फरमान के बयान में भी ये बाप है क्या अल्लाह ने फरमाया फरमायादुल्ल ईमाना हमने हिदायत में उन्हें बढ़ाया ऐसे अल्लाह का फरमान है यजदादुल्ल ईमाना ईमान वाले ईमान में बढ़ जाते हैं ऐसे अल्लाह ने फरमाया अल आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया दीन को मुकम्मल कर दिया अब इसका मतलब ये था कि पहले दीन कम था ईमान कम था आज मुकम्मल कर दिया यानी सारे अहकाम बयान फरमा दिए

अब उूम अकमल तोल दीन अकुम की तफसीर में इमाम बुखारी जिक्र फरमाते फरमाते फेजा तरह का शे अमिन कमाल हुआ नाकिस अगर कमाल से कुछ भी छोड़ा किसी ने तो वो नाकिस है यानी कम है तो अब जो जो चीजें कमाल से बयान की गई हैं उन तमाम को बजा लाना ये ईमान का कमाल है और उसमें से कुछ भी कम कर देना यह उसका नुकसान है इमाम बुखारी उस पर हदीस भी एक जिक्र करते हैं फरमाते हैं दसना मुस्लिम इब्राहिम काल हैदसना ही शाम हमसे हदीस बयान की मुस्लिम इब्न इब्राहिम ने काल उन्होंने कहा हैदना ही शाम हम से हदीस बयान, बयान की ही शाम ने

जहन्नम से निकाला जाएगा उस शख्स को जिसने ला अला पढ़ लिया है वफ़ी कल भी वज़न शैरत मिन खैर और उसके दिल में भलाई का भलाई के एक जौ के बराबर ही भलाई हो अब यहाँ पर मिन खैर से मुराद क्योंकि बाज़ तफसीर बाज़ रिवायतों के मुताबिक मिन ईमान है तो माना होगा उसके दिल में एक जौ बराबर भी ईमान हो तो वो आदमी जिसके दिल में जौ के बराबर ईमान हो उसको भी जहन्नम से निकाला जाएगा हम इससे पहले बता चुके हैं कि जन्नत वो बदला है ईमान का तो जहन्नम में अगर गुनाह की वजह से कोई ऐसा आदमी चला गया कि उसके दिल में एक जो के बराबर भी ईमान है यानी निहायत कमज़ोर ईमान है तब भी उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा और जहन्नम से निकाला जाएगा तो इस टुकड़े से ये मालूम हुआ कि ईमान कम होता है ऐसी सरकार ने फरमाए कल भी वजन बुर खैर उस आदमी को भी जहन्नम से निकाला जाएगा जिसने ला पढ़ा हो और उसके दिल में गेहूं के बराबर भी एक भलाई हो हो, ईमान तो ये उससे कुछ ज्यादा होगा तो इससे पता चला ईमान कमो बेश होता है विनन्नार सरकार ने फरमाया ऐसे ही जहन्नम से निकाला जाएगा मन काला उस शख्स को जिसने कहा इल्लल्लाह वफ़ी قلبه وزن वजन मिन खैर ुर नहीं बल्कि वजन जर्रतिन मिन खैर उस आदमी को भी निकाला जाएगा जहन्नम से जिसके दिल में जिसने लाई लाही ला कहा और उसके दिल में वजनो मिन खैर जर्रा बराबर भी भलाई हो ईमान हो अब जर्रा हवा में उड़ने वाला जो जर्रा होता है जर्रा उसको कहते हैं आप कभी कभी देखते होंगे कि आपके घर के रोशनदान से सुबह में धूप आ रही है और उस धूप में जो आ रही है उसमें उड़ते हुए कुछ जर्रात चमक रहे होंगे बारीक बारीक उसको जर्रा कहते हैं तो जिसके दिल में इतना कम छोटा सा बारीक हल्का निहायत कम ईमान हो उसको भी जहन्नम से निकाला जाएगा क्योंकि ईमान का बदला है जन्नत तो कुछ भी ईमान लेकर आया कुरान ने फरमाया अमल मिसन खै रहा किसी ने एक जर्रा बराबर भी भलाई की अच्छा काम किया तो उसका बदला ज़रूर देखेगा और ज़ाहिर बात है ईमान खुद एक खैर है और सबसे बड़ी खैर है तो उसका बदला हमारे ने फरमाया कि जन्नत ही है

नबी सल अल्लाम वो कहते हमसे हदीस बयान की अनस ने वो रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मिन ईमान अब इस इनकी इस सनद से जो रिवायत है उसमें है मिन ईमान मकान खैर वहाँ पर खैर की जगह पर मिन ईमान है क्या है मिन ईमान मकान खैर खैर की जगह पर मिन ईमान लफ्स मौजूद तो इससे इससे ये मालूम हुआ कि इस हदीस में जो खैर लफ्ज आया है वो ईमान उससे मुराद है अब ईमान की कमी बेशी मालूम तो हो गई हदीस से लिहाजा तरजमतुलवा तो से मुनासबत भी जाहिर है और दूसरी बात यह है कि दोनों हदीसों की जो हद जो सनदें हैं उस सनद में अभी बुखार इमाम बुखारी ने यहाँ पर जो सनत जिक्र की थी ऊपर तो उसमें था हद तो अन नबी व और यहां पर जो दूसरी सनद इमाम बुखारी जिक्र कर रहे हैं इसमें है हैद दसना है अनस तो माह कबल वाली सनद में अन अनस है इसमें हैद दसना अनस है तो फर्क दोनों में यह हुआ कि माह कबल वाली सनद में अन अनस है यानी वह रिवायत वो मुअन अन है सनद तो उससे यह लाजिम नहीं आता है कि सिमा हासिल है लेकिन जब दूसरी सनत में यह हैदनाजरत इमाम अनस मालिक ने हमसे बयान किया ये लाजिम है इसको यह है इस बात को कि इन्होंने उनसे सुना है यह सिमा का सिमा इसको लाजिम है इसलिए इमाम बुखारी ने दूसरी सनद बयान फरमा दी हैदन हसन अबन सब्बाह जाफर अब जाफर अब जाफ़र अब निन अब अबर ना इमाम बुखारी फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की हसन अबन सब्बाह ने उन्होंने वो कहते हैं समिया जाफ़र अबनाओं उन्होंने जाफ़र अबन ओन को सुना वो कहते हैं हैद दसना अबमैस हमसे हदीस बयान की अब ने अ ख़बराना वो कहते हैं हमसे हमें खबर दी कै सबन मुस्लिम ने अन तारक़ इबन शहाबिन वो रिवायत करते हैं तारक़ इबन शहाब से अन उम्र अबिनखाब वो रिवायत करते हैं हज़रतमर बिन खत्ता से रजमिन यहूद क़ाल लहू या अमीरमिन एक यहूदी आदमी ने

यहूद के गिरोह पर वो आयत करीमा नासिल हो जाती लत तिकल योम ईदा तो हम जरूर उस दिन को जिस दिन वो आयत करीमा नासिल होती हम उस दिन को अपने लिए ईद बना लेते हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा अयो आयत वो कौन सी आयत है जिसके बारे में आप कह रहे हो काला तो उस यहूदी ने कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमति व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना ये आयत करीमा कि ये तुम्हारे किताब में मौजूद है तुम पढ़ते हो अगर हम न यहूद की जमात पर यह नासिल होती तो जिस दिन नाजिल होती उस दिन को हम अपने लिए ईद बना लेते क्योंकि आयत करीमा बताती है कि दीन मुकम्मल है उसमें कोई कमी अब नहीं रही उसमें सारे अहकाम बयान कर दिए गए ये इस ये आयत करीमा दीन के मुकम्मल होने की खबर देती है तो हम दीन जि, जिस दीन के मुकम्मल होने की खबर दे रही है हम उस दीन के पैरोकार हैं तो जरूर हम उसको अपने लिए उस दिन को अपने लिए ईद का दिन बना देते अब देखिए यहूदी ने यह कहा था हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हो ने क्या फरमाया काला उमर हजरत उमर ने फरमाया कद अरफना ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه तुम कह रहे हो कि ईद बना लेते हम उस दिन को ये हज़रत उमर कहते हमें वो दिन भी मालूम है जिस दिन में यह आयत करीमा नासिल हुई हमें वो जगह भी मालूम है जिस जगह में ये आयत करीमा नासिल हुई हमें ये भी मालूम है कि नबी करीम अलैहि वसल्लम पर ये आयत करीमा किस वक्त में नाजिल हुई उस वक्त सरकार की कैफियत क्या थी कौन सा वो समय था कौन सा वो वक्त था कौन सा वो लम्हा था हमें सब मालूम है और हम इसका एहतराम करते हैं हम उसका एहतमाम भी करते हैं और हमने उस दिन को अपने लिए ईद बना लिया है हमने उस जगह का एहतराम भी किया जिस जगह पर ये आयत करीबा नासिल हुई ये सब बताया हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया काला उमर हजरत उमर ने कहा कदफ न जालिकल निकलियो हमने वो दिन जान लिया है हम उस दिन को जानते हैं वल मकान लजी और वो जगह भी जानते हैं नज़लत ही है अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह में ये आयत करीमा नबी करीम सल वसलम पर नासिर हुई वह हुआ कायम और वो हालत भी जानते हैं कि जब ये नासिल हुई थी तो सरकार खड़े हुए थे बे आरफा मकाम आरफा में यो जुमा आ जुमे के दिन और हदीस दूसरी हदीस में है सरकार ने इशात फरमाया या दूसरी हदीस में है जिसके अंदर ये मौजूद है कि जुमे का दिन मुसलमानों के लिए अल्लाह ने ईद का दिन बनाया है तो हमने खुद उस दिन को ईद बना लिया अब इस हदीस पाक को बाब से मुनासबत कैसे है तो मुनासबत आयत करीमा में अकमल अकुम फरमाया गया और दीन से मुराद अकाम दीन है शराय इस्लाम है और जाहिर बात है इस हदीस इस आयत ने यह बताया कि अहकाम दीन और शरा इस्लाम श्लाम सब के सब मुकम्मल हो गए और मुकम्मल होना इस बात की निशानदेही करता है कि उससे पहले सारे अहकाम बयान नहीं किए गए थे तो इससे ये पता चला कि ईमान कमो बेश होता है अमाल कमो बेश होते हैं अहकाम कमो बेश होते हैं इमाम बुखारी का यही मकसूद था बाबन अजक तो मिनल इस्लाम ये बाब है इस बयान में कि जक़ात इस्लाम से है यानी जक़ात भी एक अमल है इमाम बुखारी का ये बाब बांधने से भी मकसूद यही है कि अमल ईमान से है इसीलिए फरमाया बाब बांधा अजा मिनल इस्लाम जक़ात इस्लाम से है और इस्लाम चूंकि ईमान है इसलिए जक़ात ईमान है हम कहेंगे जक़ात इस्लाम से है जक़ात ईमान से है लेकिन जक़ात ईमान नहीं है हाँ कमाल ईमान का एक हिस्सा है कि कोई जक़ात अदा करता है तो उसको कहा जाएगा कि वो इस लिहाज से मोमिन कामिल हो गया लेकिन कमाल ईमान सिर्फ इसी में मुनहसिर नहीं ये भी अंजाम दे इसके अलावा जो भी मुख्तजियात ईमान हैं, उन तमाम को अंजाम दे तो कहा जाएगा कि ये मोमिन कामिल है बाबन अज़ात मिनल इस्लाम ये बाब है इस बयान में कि जक़ात इस्लाम से है वकौल ही और अल्लाह के इस बयान के ताल्लुक से भी ये बाब है क्या अल्लाह ने फरमाया मिया अबीन वयुकी मुसलत वीन यानि अल्लाह की इस फरमान के बयान में के अल्लाह ने फरमाया वम उमिरु इब्दुल्ला उनको हुक्म नहीं दिया गया मगर इसका कि वो अल्लाह की इबादत करे और इसका कि वो अल्लाह की इबादत करे मुखल सीना लहुद्दीन उसी के लिए दीन को खालिस करे उसी के लिए दीन को खालिस करे खालिस यानी जो भी काम करें वो खालिस खुलूस के तौर खुलूस के साथ अल्लाह इज्जत के लिए ही करे और, हुनाफा और हुनाफा फरमाया यानी आला हजरत अलैहि रहमत रिजवान ने इस आयत करीमा का तर्जमा अपने इन लफ्जों में फरमाया और उन लोगों को तो यही हुक्म हुआ कि अल्लाह की बंदगी करें निरे उसी पर अकीदा लाए एक तरफ के होकर और नमाज कायम करें होनेफा का मानो एक तरफ के होकर तर्जमा किया व यकीब और नमाज कायम करें। व युतु जकता और जकत दें वालिका वा दीन और ये सीधा दीन है तो इस पौले इलाही के की तफसीर और इसकी वजाहत के बयान में इमाम बुखारी ने ये बाप बन दिया इस बाप से इमाम बुखारी का मकसद यही है देखो आयत करीमा में यह कहा गया नमाज कायम करें Zakat तो देने का हुक्म कहा दिया गया और जो लोग दें नमाज़ पढ़ें तो उसको कुरान ने फरमाया दिन यही सीधा दीन है तो नमाज पढ़ने को Zakat देने को सीधा दीन करार दिया गया आयत करीमा में इससे पता चला الزكاة ايمان سي حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة طلحة بن ابيد الله يقول <applause> جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الراس نسمع ذو صوته ولا نفقه इमाम बुखारी फरमाते हम से हदीस बयान की اسماعیل ने काल उन्होंने कहा हद हदथना मालिक इब्न अनस मुझसे हदीस बयान की मालिक इब्न अनस ने अन अम्मी वो अपने चचा ابي सुहैल इब्न मालिक से रिवायत करते वो रिवायत करते आना بيه अपने वालिद से वो انه سمعت الحतबना عباد اللہ उन्होंने तलहा इब्न उबैदुल्लाह को यकूल कहते हुए सुना तो शाहरास हमने मनसूब पड़ा हाल बना देंगे और इसको शाह इर्रास मरफू भी पढ़ सकते हैं तो ये खबर होगी मुफ्ता महजूब की वह हो वह शाह इर्रास ये इबारत निकाल लेंगे हजरत तलह इबन अब्दुल्ला कहते हैसूल सल्हस एक आदमी नबी करीम सल वसलम की बारगाह में आया कहा से मेन आहल नजत नजदों में से शायर रास जिसके सर के बाल सब बिखरे हुए थे दुब्या सोती दुबय का माना होता है दबियन का माना होता है गूंज ये दबा है सोती हम उसकी आवाज की गूंज सुन रहे थे यानी बड़ी कड़क आवाज है वाला गूंज ही सुन रहे थे लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कह रहा है दना यहां तक के वो करीब हो गया फा यस अलो अनिल इस्लाम तो अचानक देखा कि वो सरकार से इस्लाम के बारे में पूछ रहा है फकाल रसुल्ला तो रसोलम ने जवाब में इशाद फरमाया शबो रोज में पांच नमाजें ये इस्लाम है फकाल हल रूहा फिर उस शख्स ने कहा क्या ये जो पांच नमाजों का जिक्र किया या रसोल्ला इनके अलावा भी मुझ पर कोई नमाज और वाजिब और फर्ज है कला तो सरकार ने फरमाया नहीं इसके अलावा कोई नमाज तुम पर फर्ज नहीं है मगर ये कि तुम नफल के तौर पर पढ़ो तो तुमको इख्तियार है कि तुम पढ़ सकते हो कोई एतराज नहीं, नहीं है इसमें कला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सियाम रमजान और सरकार ने फरमाया ऐसे ही इस्लाम जो है वो रमज़ान का रोज़ा रखना है कला फिर उस शख्स ने कहा हल या गैर क्या इसके अलावा भी मुझ पर कुछ लाजिम और फ़र्ज हैं काल सरकार ने फरमाया ला नहीं त मगर ये कि आप नफल के तौर पर रोज़ा रखें तो वो आप रख सकते हैं काला वज़क्रसूल सल वसलम असक़ाता रावि फरमाते हैं कि रसूल सला वसम ने उन साहिब से जक़ात का भी जिक्र किया काला हल आलिया गैर हुआ जक़ात जो सरकार आपने बयान फरमाई तो क्या इसके अलावा भी कुछ मुझ पर लाजिम है काला तो सरकार ने फरमाया ला नहीं इल्ला लंत मगर ये कि तुम नफल के तौर पर सदका कुछ करो तो वो अलग है अब जक़़ात का पूरा बयान वही होगा के माल के निशाब पर अल्लाह ने जक़ात फर्ज की है इतनी इतनी उसे जक़ात निकालना है उसने कहा कि अगर इसके अलावा भी कोई फर्ज है कि सदका तो सरकार ने फरमाया नहीं हाँ नफरी सदका कर सकते हो काला रावी फरमाते तो उस आदमी ने पीठ फेरी यानी वो शख्स पूछने के बाद वापस हुए वह हुआ यकूल इस हाल में कि वो कह रहा था वो कह रहा था कि खुदा की कसम मैं इस पर ना कुछ ज्यादती करूंगा और ना ही कुछ कमी करूंगा ना कुछ ज्यादती करूंगा, करूंगा ना कुछ कमी करूंगा यानी सरकार ने जो वाजिबात और जो फराइज मुझसे बयान किए हैं अब इनमें ना ही कुछ फर्ज बढ़ाऊं बढ़ाकर ना ही किसी को ना कुछ में फर्ज समझूंगा ना ही कुछ कम फर्ज समझूंगा जितना सरकार ने बताया है उतना ही मैं फर्ज समझूंगा और उतना ही मैं वाजिब समझूंगा उस फर्ज पर कुछ इजाफा नहीं करूंगा काला रसूल सल्ला रसूल करीम सल वसलम ने इर्शाद फरमाया अगर सच्चा है तो कामयाब है यानी यह शख्स सच्चा है तो कामयाब है यहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मालूम हुआ कि जक़ात भी इस्लाम से है इसमें जिक्र हुआ ना जक़ात का एक इसमें जुमला बोला था ला वला अनकुस तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन सदका। के ये कामयाब है अगर सच्चा है यानी जितना बताया गया अगर उस पर भी अमल कर ले तो कामयाब है अगर और ज्यादा अमल किया तो बदरज़ा औला कामयाब होगा तो जितना बता दिया गया इसी पर अमल कर लेगा अगर तो ये कामयाब है अब इससे आप ये ना समझें कि जितना बताया गया था सिर्फ उसी पर अमल करना करने से कामयाब होगा उसके अलावा अमल करेगा तो कामयाबी नहीं होगी ये ना समझा जाए मुराद ये है जितना बयान किया गया है इसी पर अगर अमल कर लेगा और इसी पर अमल करने में अगर ये सच्चा होगा खड़ा उतरेगा तो कामयाब हो जाएगा और इससे मजीद करेगा तो कामयाब औला होगा ये मतलब है अब कोई ये शुभा करे कि ये साहिब जो आए थे जिनका नाम जिमाम बिन सालबा था तो उस वक्त तो सारे अहकाम नाजिल भी नहीं हुए थे तो फिर इन्होंने कैसे कह दिया ला लादुश जबकि बाद में बहुत सारे अहकाम नाजिल हुए तो इन्होंने तो कहा था कि मैं इस पर कुछ ज्यादती करूंगा ही नहीं तो उसका जवाब यह है यानी सरकार ने जो उनको बयान कर दिए तो उस पर ज्यादा नहीं करूंगा यानी अपनी तरफ से ज्यादा नहीं करूंगा ये मुराद है हाँ इससे इसकी नफी नहीं होती कि अगर इसके बाद कोई और हुक्म सरकार देंगे तो मैं उस वो भी नहीं मानूंगा ये मुराद नहीं है मुराद ये है मैं अपनी तरफ से ज्यादती नहीं करूंगा ना कमी करूंगा जितना सरकार ने बयान फरमाया है उतना ही और मजीद और कोई किसी हुक्म का बयान आएगा तो फिर उसकी इससे नफी नहीं होती है माना समझ में आ गया होगा अब इस इस हदीसे पाक से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया कि जक़ात भी इस्लाम से है और इमाम बुखारी ने बाप भी यही बांधा था तो अब हदीस पाक को तर्जमतुलबाप से मुनासबत बिल्कुल जाहिर है इसलिए मुनासबत बयान करने की जरूरत नहीं रहे हदीस के अल्फाज तो उनकी हमने तशरीह कर दी है अफलह इन सदका इन सदका से मुराद सद फिल कौल नहीं है इन सदका फिल अमल यानी जो बता बातें बताई गई हैं उन बातों के करने में सच्चा और खरा उतरा कामयाब हो जाएगा तो जो बातें बता दी गई हैं अब इससे मजीद अगर बातें भी आएंगी तो मजीद ये अमल करेगा तो बदरज अतम कामयाब होगा लेकिन जितनी बता दी गई है इन पर अमल जब तक यही है तो जब तक इन्हीं पर अमल करेगा तब भी कामयाब होगा यह सरकार के बयान का मकसद है और मतलब है